मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है और नाम तो सुना होगा आपने, धुआंधार संतोष नायर। और हमारी कंपनी स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी फिर कोविड के बाद एक और बार बहुत बड़े पैमाने में लेके आ रहा है विजडम नाइट्स। मैं आप सबका स्वागत करता हूं 35th विजडम नाइट्स में। क्या होता है ये विजडम नाइट्स? विजडम यानी प्रज्ञा, प्रज्ञा यानी के बहुत खेलने के बाद, बहुत मस्ती करने के बाद, बहुत काम करने के बाद जब एक एंटरप्रेन्योर को मूल मंत्र समझ में आता है और उसको मालूम है कि क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, सेल्स में क्या चलता है नहीं चलता है, मार्केटिंग में क्या चलता है नहीं चलता है, पीपल मैनेजमेंट में क्या चलता है नहीं चलता है, प्रोडक्शन में क्या चलता है नहीं चलता है, सोशल मीडिया में क्या चलता है और नहीं चलता, जिंदगी में क्या चलता है और नहीं चलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चलता है और क्या नहीं चलता है, जब इसका ज्ञान आपको होता है तो हम बोलते हैं आपको प्रज्ञा आ गई, विजडम आ गया। और ऐसे कई अनगिनत धंधे वाले जो हमारे अलग अलग टाइप के गुरुकुल प्रोग्राम में, ओरिएंटेशन गुरुकुल, फाउंडेशन गुरुकुल, एंटरप्रेन्योर गुरुकुल, एडवांस गुरुकुल, निर्वाणा गुरुकुल में, अलग अलग टाइगर प्रोग्राम में, अलग अलग लीडरशिप और सेल्स के प्रोग्राम में, ऑफलाइन ऑनलाइन सारे प्रोग्राम में बैठने के बाद कई धंधे वाले 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 से 1000 करोड़ पे पहुंच गए, उनको मिला है प्रज्ञा। ये प्रज्ञा वो लोग शेयर करने वाले हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है द विजडम नाइट्स। तो 35th विजडम नाइट्स ऑफ स्मार्ट ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी में मैं आपको इनवाइट करता हूं, आपको आना है और आपको अपने धंधे वाले दोस्त लोगों को लाना है और आके अपना जो लाइफ का नए लेसन आपको सीखना है। और जब आप ये नया लेसन सीखेंगे, आप पुराने लेसन को छोड़ेंगे, आप अपना सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ेंगे। क्या कहा मैंने? सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। माय डियर फ्रेंड्स, यस, आपने सही सुना, ये विजडम नाइट्स का टॉपिक है द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। मैंने हमेशा कहा है जिंदगी में जो ग्रोथ होता है वो स्टेजेस पे होता है, हर धंधे वाले का जो ग्रोथ है वो स्टेजेस में होता है और हर स्टेज में वो कोई ना कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। वो कभी आदमी का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कभी यूनियन का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कभी सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, तो कभी मार्केटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। जैसे जैसे 1 साल से 2 साल से 3 साल से 10 साल का उसका जर्नी एंटरप्रेन्योरशिप का ऊपर होता है, वो एक 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 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और हर स्टेज में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। कुछ प्रॉब्लम्स वो सॉल्व नहीं करता, वो सॉल्व कर नहीं पाता और वो क्या बोलता है अपने आप से, ये मैं बाद में करता हूं। यानी मैंने ज्यादा पढ़े लिखे आदमियों के साथ मैं काम कर रहा हूं और पढ़े लिखों के साथ कैसे काम करना ये मुझे नहीं आता, तो मैंने कहा ये बाद में करता हूं। फिर एक लोकेशन में कैसे काम करना, बंबई के अंदर कैसे काम करना, ये आपने आपके 10 साल के, 12 साल के, 15 साल का आपका कांड करते करते आपको ये समझ में आ गया कि बंबई में राज कैसे करने का, लेकिन 14 लोकेशन कैसा खोलने का इंडिया में ये आपको नहीं आता था और ये लेसन आपने सीखा भी नहीं, तो आपने कहा ये मैं बाद में देखता हूं। इसी तरह से हो सकता है बिना बिल बनाए या 2 नंबर का काम करने का आपकी एक मास्टरी आ गई 10-15 साल में, 1 नंबर पे बिल के साथ कैसे करने का ये आपने सोचा बाद में करते हैं। इसी तरह से आपने एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोडक्ट, जो समझो 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट है और 1-1.5 लाख का प्रोडक्ट बेचने की कलाकारी आपने और आपकी टीम ने मास्टरी कर ली और आपने कहा ये 5 लाख 10 लाख रुपए का जो माल है ये बेचने की कलाकारी ना मेरी टीम में है ना मुझ में है, ये मैं बाद में देखता हूं। इसका मतलब क्या है माई डियर फ्रेंड्स? अगर धंधे में लगातार राज करने के लिए अगर 100 लेसन है, आपने 25 की मास्टरी कर दी, 25 चीजों की आपकी मास्टरी हो गई
और जो बोलते हैं ना पहला वाला प्रॉब्लम जो है, जो पढ़े लिखे ज्यादा आदमी, ज्यादा पढ़े लिखे आदमी के साथ ना काम ना करना, वो समझो पहला वाला प्रॉब्लम है, वो आपने सॉल्व किया। दूसरा था पढ़े लिखों के साथ काम करने, ये बोला बाद में देखते। ऐसा प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 14, प्रॉब्लम नंबर 19, प्रॉब्लम नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 43, प्रॉब्लम नंबर 53, 25 प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया और 75 आपने बोला बाद में देखते हैं। यानी धंधे को बहुत ही सॉलिड चलाने के लिए अगर 100 प्रॉब्लम पे आपका राज होना चाहिए था एज एन एंटरप्रेन्योर, अभी आपके पास 25 का राज हो गया है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, आज आपका 15वां साल के बाद, आज आपका 20 साल के बाद या 25 साल के बाद धंधे में जो भी इश्यूज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी आपका कॉन्ट्रडिक्शन है, जो भी आपका मेस है, जो भी आपका जंक है, जो भी आपकी तकलीफ है, जो भी आपका फ्रस्ट्रेशन है, जो भी आपका एंगर है, उन 75 चीजों को न सॉल्व करने का नतीजा है। आइए सीखते हैं इसके बारे में द विजडम नाइट्स में कि ये होता क्यों है, वो कौन सी पैटर्न है जो बन चुका है जिसको सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी बोलते हैं, कौन सा चीज है जो हमारा बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, अब उससे निकलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि खाली क्या हम ही सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में फंसे हुए, अपना जीएम तो नहीं फंसा हुआ, अपना वीपी तो नहीं फंसा हुआ, अपना सीईओ तो नहीं फंसा हुआ, अपना मैनेजर और अपनी रिसेप्शनिस्ट और अपना अकाउंटेंट और अपना झाड़ू वाली, शायद हम सब लोग सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी में अटक चुके हैं। तो सीखना है, हमें जानना है, परखना है, एक शाम आपको हमारे साथ लिखना है। आइए अपने दोस्तों को जो धंधे में है उनको लाइए, आप अगर मेंबर नहीं है तो मेंबर बन जाइए, और मेंबर है तो आ जाइए, आप अगर कोई भी टाइप का गुरुकुल किया तो आप एलिजिबल है इसमें एनरोल करके आने के लिए, तो नीचे लिखे हुए डिटेल में फोन कीजिए या मेल भेजिए या जो भी लिखा हुआ है, आपको आ जाना है 35th विजडम नाइट्स में, और ये विजडम नाइट्स आपका जिंदगी का सबसे हसीन और सबसे जिंगा लाला विजडम नाइट्स होने वाला है, क्योंकि आप द सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, मेरा नाम टाइगर संतोष नायर है, स्वागत है आप लोगों का, इंतजार रहेगा कि आप लोगों के साथ मिलकर सीखने का, और सीलिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को तोड़ना है और उसको मरोड़ना है और अगले लेवल पे अपने को जाना है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच, वेलकम टू द 35th विजडम नाइट्स।